हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हैंडमेड ज्वेलरी बनानी सिखाऊंगी। ये मैंने शटल टैटिंग से बनाई है, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बहुत इजी है बनाने, जिनको शटल चलाना आ गया है वो इसे इजीली बना सकते हैं। इसके लिए हमें एंकर के थ्रेड चाहिए, शटल चाहिए और हमें चाहिए कुछ बीड्स। डिफरेंट साइज़ के बीड्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ फ्लैट बीड्स भी हैं। और इसके साथ हमें ये हुक चाहिए एयरिंग बनाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने एयरिंग भी बना के एक रखा है। तो मैं आपको ये एयरिंग भी बनाना सिखाऊंगी, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये नेकलेस, जो कि हम शटल से बनाएंगे। और इसकी जो डोरी है ये भी मैंने हैंडमेड बनाई है, ये एंकर के थ्रेड से बनाई है। आप इसमें देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो में, जिसमें मैंने आपको ये गूंथना बताया है कि इसको किस तरीके से गूंथ के बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये हुक बनाएंगे, इस हुक में हमने डोरी अटैच करनी है। तो हुक बनाने के लिए हम 12 डबल नॉट की एक रिंग बनाएंगे। इस रिंग में हम एक भी पिकेट नहीं बनाएंगे और इसको हम एज इट इज रिंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी डोरी डालने के लिए रिंग बन गई। अब इसके बाद हम इसका ये वाला पोर्शन निट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले रिंग बनाएंगे और फिर कॉन्टिन्यूएशन में ये पोर्शन निट करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें एक रिंग बनानी है और उस रिंग में हमने हर डबल नॉट के बाद एक पिकेट बनानी है और इसमें हमने 13 पिकेट्स बनानी है। वन, ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट पिकेट बनी, ये सेकेंड। इस तरीके से हम इसमें 13 पिकेट्स बनाएंगे और जो हमारी सेंटर पिकेट है हम थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे ताकि वो डिफरेंशिएट हो सके। बाकी कोशिश करेंगे कि सारी पिकेट्स जो हैं वो एक ही साइज की बने। ये देखिए, हमने ये 13 पिकेट्स की एक रिंग बना ली है, तो ये रिंग कंप्लीट होगी। अब हम फ्लिप करने के बाद इसको सेमी सर्कल बनाएंगे, ये वाला। इसमें हमने 12 डबल नॉट और 6 पिकेट्स डाली हैं, फिर 12 डबल नॉट। ये हमने सेंटर में 6 पिकेट्स डाल लिए हैं। अब दोबारा से हम 12 डबल नॉट्स लगाएंगे। ये देखिए, 12 डबल नॉट पिकेट, 12 डबल नॉट्स बन गए हैं। अब ये जो सबसे ऊपर हमें टॉप पे लूप दिख रही है, जो थोड़ी बड़ी है, इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। इसमें से शटल पास कर लेंगे। तो ये हमारा ऐसे बन के तैयार हो जाएगा फ्लावर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों थ्रेड्स को अपनी उंगली पे यूं रैप कर लेना है, ठीक है। रैप करने के बाद हमने एक बीड जो है, ये वाले साइज का बीड, इस क्रोशे हुक में डाल लेना है और ऐसे लूप को पकड़ के इसमें से पास कर लेना और इसको बिल्कुल एंड पे यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। और इस थ्रेड को आपने यूं थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेना, क्योंकि इसमें से हमने शटल का थ्रेड और कॉन्टिन्यूएशन थ्रेड दोनों पास करने हैं। ये मैंने शटल का थ्रेड पास कर लिया और ये मैंने एंकर का जो थ्रेड है ये भी पास कर लिया। दोनों को पास करने के बाद हमने इस थ्रेड को ऐसे खींचना है कि ये जो नॉट, ये जो हमारी लूप है, ये बिल्कुल छेद के सामने आ जाए। इसको खींच लेने ऐसे और ये जो लूप बन रही है हमारी, ये बिल्कुल छेद के सामने आए यहाँ से। ये देखिए ऐसे, ये ढीली नहीं होनी चाहिए, एक तो इसके साथ कसी होनी चाहिए और ये
यहाँ से बिल्कुल छेद के सामने आनी चाहिए। इसको ऐसे आप पुश करके यहाँ सेंटर में ले आइए ताकि ये और छेद बिल्कुल सामने हो। इतना बनाने के बाद हमने दोबारा से वही मेथड फॉलो करना है जो हमने स्टार्टिंग में किया था। सबसे पहले हमने ये वाली रिंग बनानी है और फिर से हमने ये कॉन्टिन्यूशन मेथड से ये वाला पोर्शन नीट करना है। तो इसी तरीके से चेन बनाते हुए हमने ये पूरी नेकलेस जो है वो वीव कर लेनी है। ये देखिए ऐसे मैंने यहाँ से शुरू किया, आपको ये बना के दिखाया लूप, ये रिंग बनाई ये कॉन्टिन्यूशन मेथड से, और फिर ये मैंने आपको बीट डालना सिखाया। उसके बाद हमने दोबारा से इसको बिल्कुल साथ शुरू करते हुए ये रिंग बनानी है और ये वाला पोर्शन नीट करना, फिर ये इसी तरह रिपीट करते हो। आपने जितना बड़ा नेकलेस बनाना है आपने वीव करके इसको पूरे को रख लेना है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके बीच में ये बीट कैसे लगाना और ये डोरी कैसे अटैच करनी है। तो इसको अटैच करने के लिए हमें सबसे पहले थ्रेड चाहिए। हमने एंकर की जो गुच्छियाँ हैं उसके थ्रेड लिए हैं। आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उतने थ्रेड्स आप ले लीजिए। और थ्री स्टैंड्स मैंने लिए हैं एक कलर की, ये देखिए मैंने तीन कलर लिए हैं 1, 2 एंड 3, और इनको आपस में जोड़ लिया। ऐसे जोड़ने के बाद मेरे को जितनी लंबी डोरी चाहिए उतनी लंबी डोरी ये मैंने रख ली। और ये वाली जो हमारी हुक बनाई हुई है हमने इसमें से ये डोरी पास करनी है, ऐसे इसको लेना है और इसको यहाँ से आराम से इसमें से गुजार लेना है। इसको इसमें से पास करने के बाद हम ये लूप खोलेंगे। इस तरीके से लूप खोलने के बाद हमने ये जो तुम्हारे दूसरा एंड है इस डोरी का, इसको हमने इसमें से पास कर लेना, ऐसे गुजार लेना। ये गुजारने के बाद हमने थ्री स्टैंड एक तरफ रखनी है, एक कलर की थ्री एक तरफ करनी है, और हमने इसको चोटी की तरह गूंथ लेना। मैंने आपको पहले भी एक ट्यूटोरियल में ये सिखाया है जिसमें राखियाँ बनानी सिखाई हैं। इसको आराम से एक एक कलर को, सेम कलर्स को सेंटर में लाना है और क्रॉस कर देना है ऐसे। पहले हम इधर से वाइट लाए, इसको सेंटर में रखा और इस तरफ ले गए। अब इधर से वाइट वाला ले आए और इसको इस तरफ ले गए ऐसे, तो ये क्रॉस बन गया। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट कलर चूज कर लेना है, ये डार्क पिंक, ये हमने इधर रखा और इधर दो रह गए। अब इधर से डार्क पिंक लेना है और इसको हमने इस तरफ ले आना है। इसी तरह क्रिस क्रॉस करते हुए हमने पूरी जो है वो थ्रेड को वीव कर लेना है ऐसे। अब पिंक की बारी आ गई, हमने पिंक कलर को सेंटर में लाना है और इस तरफ अटैच कर देना है और इस पिंक को इस तरफ ले जाना। तो दोनों तरफ तीन तीन स्ट्रैंड्स रहनी है हर बार, और अपने आप तो आप देखेंगे कि ये जो कलर है अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब वाइट की टर्न है, वाइट इधर करेंगे और फिर ये वाला इधर करेंगे। आप इसको किसी चीज़ पे अटैच करके आराम से बना सकते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगता है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरी जो है वो डोरी गूंथ लेनी। जब जब पूरी डोरी हम गूंद लेंगे, ये देखिए मैंने पूरी डोरी को गूंद लिया है, गूंदने के बाद हम इसको पहले बीट डालेंगे, ये बड़े वाला बीट डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे एक नॉट लगा देंगे जैसे मैंने ये नॉट लगाई है ऐसे, और उसको बिल्कुल इसके साथ अटैच करेंगे नॉट को, ताकि ये बीट जो आगे पीछे ना हो। और एंड में भी हम इसको ऐसे गांठ लगा के इसको खोल लेंगे, तो ये बड़ी अच्छी सी एक टसल बन जाएगी। तो इस तरीके से है ये नेकलेस पूरा बन के रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको ये कानों के लिए इयररिंग्स बनाना सिखाऊंगी। ये भी बहुत इजी है। हम यहाँ से शुरू करेंगे बीट डाल के, नीचे एक फ्लैट बीट डालेंगे, फिर बड़ा बीट डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे गांठ लगा के ये वाला पोर्शन बनाना शुरू करेंगे। इयररिंग्स हमारे सिंगल शटल के साथ बनेंगे। इसमें हमने बॉबिन में थ्रेड भर लिया है और इसका जो एक एज है इसमें हम सबसे पहले ये बड़े वाला बीट डालेंगे। ठीक,
और फिर हम इसमें एक फ्लैट भी डालेंगे जो बेस पे लगेगा। और ये जो हमारा बड़ा बीड है इसमें से दोबारा से हम ये वाला थ्रेड पास करेंगे, इसको ऐसे निकाल लेंगे और ये फ्लैट बीड नीचे आ जाएगा। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे दो तीन गांठ लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले, हम एक्स्ट्रा थ्रेड को यहाँ से काट देंगे। अब हम ये वाली रिंग बनाएंगे, ये हमारी 11 पिकेट्स की रिंग है। इसको बिल्कुल साथ वीव करना शुरू करेंगे यहाँ से। एक डबल नॉट लगाने के बाद हम इसमें 11 पिकेट की रिंग बनाएंगे, सारी पिकेट्स बराबर बनाएंगे हम। तो ये 11 पिकेट्स डालने के बाद हम इस रिंग को खींच लेंगे और इस तरीके से रिंग बना लेंगे। अब रिंग बनाने के बाद हम ये स्मॉल बीड लेंगे एक और इसको इस थ्रेड में ऐसे सरका लेंगे, उसको बिल्कुल एंड तक ले आएंगे। एंड तक ले आने के बाद हम शटल को इसमें से पास कर लेंगे। और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद हम दोबारा से ऐसी रिंग बनाएंगे। इसी तरीके से हम रिंग बनाते चले जाएंगे और बीड्स डालते, एक एक रिंग के बाद हम बीड डालते जाएंगे और इस तरीके से हम ये पूरी चेन जो है वो बना के तैयार कर लेंगे। ये देखें, इसमें हमने एक रिंग एक बीड, एक रिंग एक बीड, एक रिंग एक बीड, ऐसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 मैंने ये फर्स्ट रिंग में डाली। अब मैं आपको ये पूरी लाइन बना के और इसके साथ ये बीड अटैच करके फिर हुक के साथ ज्वाइन करना सिखाऊंगी। 9 रिंग्स बनाने के बाद मैं इस थ्रेड को अब यहां से काट दूंगी। अब मैं क्रोशे की मदद से थोड़ा बड़ा बीड जो है वो इसमें पास कर लूंगी। ओके और इसके बाद हम ये एयरिंग हुक जो है इसमें से भी मैं इस थ्रेड को पास कर लूंगी। अब सेम बड़े वाले बीट से ये वाला थ्रेड दोबारा पास करूंगी। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब हम मैंने यहाँ पे इसको गांठ लगा लेनी है। आप इस तरीके से इसको यहाँ इस पॉइंट पे गांठ को लेके आएंगे और इसको यहाँ अटैच कर लेंगे, कस के इसको यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। अब दो तीन बार इसको ऐसे ही इस पॉइंट पे लाके गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। यहाँ पे लगाएंगे इस बीड के बाद यहाँ पे। दो तीन पक्के तरीके से गांठ लगाने के बाद हम इसको यहाँ से काट लेंगे तो ये हमारी इयररिंग रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें इस तरीके की दो तीन लड़ियाँ डिफरेंट साइज की डाल सकते हैं, ये क्लस्टर और भी ब्यूटीफुल लगेगा। जैसे मैंने इसमें, ये देखिए, इसमें मैंने दो लड़ियाँ डाली हैं, एक
ये 9 की है और ये 5 फ्लावर्स की है, तो मैं दो डाल के इसको एक जैसे दो इयररिंग्स बना लूंगी। और ये पांच इयररिंग, पांच रिंग्स बन गई हैं, 1 2 3 4 5, और इसको दोबारा से हम ऐसे ही थोड़े डिस्टेंस से हेड को काट लेंगे। काटने के बाद हम ये जो सेम लूप है हमारी, सेम जो सॉरी बीड है हमारा, इसमें से इस थ्रेड को निकाल लेंगे ऐसे। और फिर सेम हुक से इसको निकालेंगे, इस हुक से भी इसको ऐसे ही निकाल लेंगे थ्रेड को। अब दोबारा से हम ये जो बीड है इसे दोबारा इधर से वापस ले आएंगे। इसी थ्रेड को हम इस लूप में से निकाल के और इस बीड से दोबारा निकाल के वापस ले आए, इसको हम इस तरीके से ये जो बीड है यहाँ से हम इसको लूप बना के गांठ लगा लेंगे। ऐसे हम यहाँ पे दो तीन गांठ लगा लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए। तो ये हमारा इयररिंग बन के रेडी हो गया। तो ये हमारी, ये देखिए, टू इयररिंग्स बन गए। आप इसमें दो तीन से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लड़ियाँ भी लगा सकते हैं जितनी आपकी इच्छा हो। ये देखिए आपका ब्यूटीफुल सा नेकलेस विद इयररिंग्स बन के रेडी हो गया है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा और ये बहुत सिंपल है, आप इसे जरूर ट्राई करेंगे और पहनेंगे इस फेस्टिव सीजन में। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आज 20 हज़ार के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये सब आप लोगों का प्यार है। तो आई होप कि आप इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहेंगे और साथ में मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।